अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ मैं अपना लेसन स्टार्ट करूँगी। आज की अच्छी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तू अपने दोस्त की मदद करता रहेगा अल्लाह तेरी मदद करता रहेगा, जब तक तू अपने भाई की मदद में रहेगा अल्लाह तेरी मदद में रहेगा। हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, जो भी हमें लगे कि हमें उसकी मदद उसे हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए ज़रूर, और हर किसी की मदद आगे बढ़ के करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हमारे हर काम में आसानी हो। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करे, आमीन। आइए मैं हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों को बुक मार्क बताऊँगी बनाना। ये बुक मार्क मैंने बनाया था, इस तरह से बनता है, इस तरह से ये रखा जाता है बुक में। और ये देखिए इस तरह से है, ये बहुत ही ईजी बना है। ये देखिए पिकॉक स्टिच से बना है, ये बहुत ही इजी है ये बनने में। आइए मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ। बुकमार्क बनाने के लिए चार चेन बनाना है स्टार्ट में, और फिर चेन बनाने के लिए हमें स्लिप नॉट बनाने, इस तरह से हमने स्लिप नॉट बना ली। फिर फोर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फोर चेन बना के हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से बन गया। फिर हम दो चेन बना लेंगे इस तरह से, दो चेन बना के फिर ये जो हमें जो रिंग नज़र आ रहा है इसमें हमें बनाना है डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बनेगा, ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशिया बन गया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें तीन चेन बनाना है, 1 2 3। थ्री चेन बना के हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उससे उसके ऊपर, डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बन गया, ये हमारा पिकॉक स्टिच बन गया, ठीक है। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। फिर हम इसी रिंग में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वैसे ही हम तीन चेन बना लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा दूसरा स्टिच बन गया। ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा स्टिच बन गया। अब फिर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम तीन चेन ले लेंगे, 1 2 और 3। थ्री चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा स्टिच बन गया, ठीक है। फिर हम इसी सर्कल में, ये सर्कल है ना हमारा, ये सर्कल में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया बना के हम थ्री चेन बना लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, देखिए इस तरह से बना, ये स्टिच डबल क्रोशिया और थ्री चेन की मदद से बनेगा, ठीक है। डबल क्रोशिया बनानी, फिर हम इसके ऊपर थ्री चेन बना लेंगे। थ्री चेन बना के जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर डीसी ले लेंगे, स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया, ये स्टिच बन गया, 1 2 3 4 5। फाइव स्टिच हमारे बन गए, ठीक है। फिर हम
ये देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 हमारे स्टिच बन गए। अब फिर हम इसी होल में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया बना के फिर हम को वैसे ही 3 स्टिच बनाना है। 3 स्टिच बना के फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर से स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह। ये देखिए हमारा स्टिच बन गया। ठीक है, फिर हम स्लिप स्टिच वो डबल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशिया लेके फिर 3 चेन बना लेंगे। ठीक है, 3 चेन बना के फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह। ये हमारा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए। अच्छा, हम ये देखिए हमारे 7 स्टिच बन गए। ये देखिए 7 स्टिच बन गए। इसी तरह के स्टिच हमें 12 टाइम बनाना है। ठीक है, फिर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन गया। 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टिच हमारे बन गए। ठीक है, फिर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से करके। सर डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बना के फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए ये ऊपर ना इधर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये बन गया हमारा। ये देखिए ये हमारा स्टिच बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच बन गए हमारे। फिर हम इसी सर्कल में, ये देखिए ये वाले सर्कल में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 1 2 2 3 ठीक है, 3 चेन बना के फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डीसी ले लेंगे, वो सॉरी स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे स्टिच बन गए। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे बन गए। हमें 12 बनाने हैं। फिर हम यान ओवर करके हमें डीसी बनाना है इस तरह से। ठीक है, डीसी बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाने के 3 चेन 1 2 3 3 चेन बना के डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे स्टिच बनते चले जाएंगे इसी तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 9 10 11 बन गए। 11 बनने के बाद ये लास्ट हम बना रहे ये डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है एंड में, इसको इस तरह से कर लेंगे हम।
देखिए इस तरह से। ये देखिए डबल क्रोशिया बन गया। फिर तीन चेन बनाएंगे, टू थ्री चेन बना के फिर इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये देखिए पूरे 12 हमारे स्टिच बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये देखिए इस तरह से बने। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्टिच है ये। ठीक है, फिर टू चेन बनाएंगे। 1 2 टू चेन बना के फिर हम टू चेन बना के हम फिर यहाँ पर यहाँ से नीचे से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बन गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको इस तरह ये बनाने के लिए हम चेन बनाने, ठीक है, ये चेन बनाने के लिए हमें कितनी चेन बनानी है, हमें 55 चेन बनानी है। ठीक है, दूसरा इस तरह से फ्लावर बनाने के लिए 55। आप साइज़ अगर आप लोगों को कम करना है तो आप लोग चेन छोटी भी बना सकते, कम भी बना सकते। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ये देखिए इस तरह से चेन बनाते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने ये 45 चेन बना ली, मैंने 55 नहीं बनाई, बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने 45 चेन बनाई। फिर अब हम क्या करेंगे, एक स्टिच छोड़ के 1 2 3 4 इस स्टिच में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, ये 4 स्टिच में हम स्लिप स्टिच इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर स्लिप स्टिच लेने के बाद हम दो चेन बना लेंगे यहाँ पर, 1 2 फिर टू चेन बनाने के बाद फिर इसमें जो हमने स्लिप स्टिच लिए ना, इस ये जो हमारा जो होल बना ना, फिर इसी तरह से हम इसमें डीसी बना लेंगे, इसी तरह से वो हम स्टिच बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया ना, ये वाला स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। फिर 1 2 3 चेन बना के हम फिर डीसी डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था उसके ऊपर स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया। ठीक है, ये देखिए फिर हम एक डीसी बनाएंगे। ये देखिए इसके अंदर डीसी बना के फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के हम डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे स्लिप स्टिच के। ये देखिए हमारे 2 स्टिच बन गए इस तरह से। ठीक है, फिर हम वो ले लेंगे, डीसी बना लेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया बना के 3 चेन 1 2 3 चेन लेके फिर डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारे 1 2 3 स्टिच बन गए। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, 12 बनाएंगे। फिर देखिए फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, डबल क्रोशिया बना के 3 चेन 1 2
और थ्री चेन लेके फिर डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये देखिए हमारे 1 2 3 4 फोर स्टिच बन गए। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए अब हम इस चीज़ जो हमें रिंग बना रहे नज़र आ रही ना, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। बनाने के बाद थ्री चेन बना लेंगे, 1 2 3। थ्री चेन बनाने के डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 1 2 3 4 5 स्टिच बन गए, ठीक है। ये देखिए पूरे हमें 12 स्टिच बनाना है। मैं आप लोगों को पूरे 12 करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, इस तरह से बनी हुई। देखिए ये हमारा बुक मार्क बन गया, ये हमारा छोटा बना, ये देखिए इस तरह से बना, ठीक है। फिर हम एंड में एक चेन लगा के चेन बना के इस तरह से इसको बंद करेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोनों इस तरह से बन गए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आप लोगों को और ये कैसा बना ये बुकमार्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना ये। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और अगर न्यू है आप लोग मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।